Hi everyone, my name is Sarabjit Kaur and welcome to my YouTube channel. And in today's video, I'm going to create a menu-driven program using switch statement. And in this program, I'll make a menu and according to that menu, user will execute number of operation in one program. For example, if user will enter 1, then we will perform addition. And if user will enter 2, then we will perform subtraction and so on. So we will make this program using switch statement. Before starting this program, I request you all to please subscribe my channel and don't forget to hit the like button also. So for creating a menu driven program, we first required a choice. It means what user want to perform. If user want to perform addition, then that case also we required a choice. And if user want to calculate or perform a subtraction on the number, then in that case also we required a choice. So we will take a choice from the user, and before taking the choice from the user, you have to provide menu to the user. So I will make a menu first. Okay, so I'm going to write menu driven. Okay, menu driven program, and after that I'll present choice. One for addition, then cout, two for subtraction, then cout, three for multiplication, cout, 4 for division. So this is my menu, and after providing this menu on the screen, we will take choice from the user. Okay, and for taking a choice, we required a variable that we will declare here, int choice. Okay, so then menu ke baad मैं चॉइस यूजर से मांगूंगी, सो आई विल राइट अ मैसेज, एंटर योर चॉइस. ओके, सो हम यहां पे यूजर से चॉइस मांग लेंगे. चॉइस लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, स्विच को स्टार्ट कर देंगे. यहां पे स्विच स्टार्ट हो जाएगी, एंड स्विच कैन अंडरस्टैंड ओनली द वैल्यू ऑफ चॉइस दैट इज टेकन फ्रॉम द यूजर, और कर्ली ब्रेसेस को स्टार्ट कर देंगे. अगर यूजर ने 1 एंटर किया, देन वी विल मेक अ केस 1. अगर यूजर ने 1 एंटर किया, इट मींस यूजर वांट टू ऐड 2 नंबर्स. ओके, एंड फॉर एडिंग 2 नंबर्स वी रिक्वायर 2 वेरिएबल्स आल्सो, सो वी विल टेक 2 वेरिएबल्स हियर, ए एंड बी. तो हम यहां पे यूजर को एक मैसेज दे देंगे. हम यूजर को बोलेंगे एंटर द 2 नंबर्स, एंटर द 2 नंबर्स. तो मैं यहां पे एक मैसेज यूजर को दे दूंगी. देने के बाद आपको इमीडिएटली उन दोनों नंबर्स को सी इन करवाना है. ठीक है, सो आप उसको क्या कराओगे, सी इन भी करा दोगे. तो मैंने यहां पे ए और बी को सी इन भी करवा लिया, और आपको एडिशन को प्रिंट करवाना है. अगर आप चाहते हो दैट यू वांट टू स्टोर द एडिशन इन अ सेपरेट वेरिएबल, यू कैन, बट आई एम परफॉर्मिंग हियर डायरेक्टली. ओके, मैं यहाँ पे a प्लस बी को डायरेक्टली ही लिख रही हूँ, और मैं यहाँ ब्रेक लगा दूंगी. आफ्टर परफॉर्मिंग वन केस, आई विल ब्रेक दिस केस एंड I'll make second case that अगर यूजर ने 2 एंटर कर दिया, तो 2 एंटर के केस में भी मुझे यही लाइन्स लिखनी पड़ेंगी. तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर रही हूँ, इसमें पेस्ट कर रही हूँ. मैं सिर्फ यहाँ पे क्या कर दूंगी, माइनस, कि मुझे सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कराना, और मैं इस मैसेज को चेंज कर दूंगी. ठीक है, मैंने इस केस को भी क्रिएट कर लिया, और इसी के साथ मुझे केस 3 भी क्रिएट करना पड़ेगा इसी तरह से. सो मैं यहाँ पे सेम चीज मैंने यहाँ पे कॉपी कर दी है, और मैं यहाँ लिखूंगी मल्टीप्लिकेशन. सो मैंने यहाँ पे लिख दिया है मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लाई का मैं यहाँ पे साइन बना देती हूँ, स्टार का सिंबल. एंड इसी तरह से आपको केस 4 भी क्रिएट करना. सो मैं यहाँ पे केस 4 भी क्रिएट कर देती हूँ, और यहां हम क्या करेंगे, डिवीजन लिख देंगे, और डिवीजन का सिंबल बना देंगे, दैट इज फॉरवर्ड स्लैश. मैं यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लिख दूंगी. अ
अब इसके बाद आपको लगता है कि अगर किसी ने 4 के अलावा कोई और वैल्यू भी एंटर कर दी तो उसके लिए वी विल मेक डिफॉल्ट केस एंड विल राइट अ मैसेज दैट यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग वैल्यू, यू शुड एंटर अ करेक्ट वैल्यू दैट शुड बी इन बिटवीन 1 to 4. सो मैं यहाँ पे एक मैसेज दे दूंगी, वैल्यू शुड बी इन बिटवीन 1 to 4, और इसके बाद हम स्विच को क्लोज कर देंगे जो कि हमारी ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे लगे हुए हैं. तो दैट इज माय प्रोग्राम दैट इज नोन एज मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, जिसके अंदर आप यूजर से चॉइस लेते हो और आप चॉइस के अकॉर्डिंगली ही वैल्यू को यूजर से लेते हो. ठीक है, सो मैं इसको यहाँ पे प्रोग्राम को कर रही हूँ सेव और मैं इसको करूंगी रन. रन करने के टाइम पे आपके पास एक स्क्रीन आएगी एंड दैट देखिए, इस मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम के अंदर हमारे पास सारा मैसेज एक ही लाइन में आ गया. पहले इसको अच्छे से हम क्या करके आएंगे, इसको थोड़ा ठीक करके आते हैं. हम स्लैश एंड यूज करते हैं सब जगह पे, तो मैं यहाँ पे स्लैश एंड लगा रही हूँ, यहाँ पे भी स्लैश एंड लगा रही हूँ और मैं हर जगह पे स्लैश एंड को यूज कर लूंगी जिससे मेरा जो प्रोग्राम है वो थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखे. सो मैं इसको दोबारा से सेव कर रही हूँ एंड मैं दोबारा इसे रन कर रही हूँ. अब देखिए, अब ये मेन्यू मेरा बिल्कुल ठीक मेरे सामने आ रहा है. अब मैं चॉइस लूंगी, सबसे पहले मैं एडिशन परफॉर्म करती हूँ. सो मैंने 1 एंटर किया, फर्स्ट नंबर ये हमसे मांग रहा है 34 और सेकंड नंबर भी हम इसी को दे देंगे उसी के साथ ही 56. सो एडिशन हमारे पास कितना आ गया, 90 आ गया. सो 90 इज द करेक्ट आंसर. उसके बाद हम इस प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे. एग्जीक्यूट करके अब हम क्या करेंगे, 2 हमारी चॉइस है, चॉइस 2 में हमने दे दिया 45 एंड हमने दे दिया 12. सो आंसर हमारा कितना आ गया, 33. फिर से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे. एग्जीक्यूट करने में अब मैं इसको दे रही हूँ थर्ड चॉइस, थर्ड चॉइस में मैंने दे दिया 2 and 8. सो आंसर इज 16. एंड देन फिर मैं इसे रन कर रही हूँ विद द चॉइस 4 और मैं इसको चॉइस दे के 4 मैंने एंटर किया है 34 and 2. सो आंसर मेरा आ गया है 17. एंड देन मैं इसको फिर से रन कर रही हूँ और रन करने पे मैंने इसको चॉइस दे दी है 5 और एंटर किया तो लिखा है वैल्यू शुड बी इन बिटवीन 1 to 4. सो ये मेरे पास आ गया, मेरे सारे केसेस जो है बहुत अच्छे से चल रहे हैं. आई थिंक दिस प्रोग्राम इज क्लियर टू यू एंड इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन मेंशन दैट प्रॉब्लम इन द कमेंट बॉक्स. आई श्योरली सॉल्व योर प्रॉब्लम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.